सो गाइस, ये है यामा R15 M, और ये जो बाइक है ये एक ऐसी बाइक है जो भाई टॉप मोस्ट सेलिंग बाइक है इन इंडिया। मतलब 150 सीसी कैटेगरी के अंदर अगर हम बाइक की बात करें तो R15 सबसे ज्यादा बिकने वाले स्पोर्ट्स बाइक है इंडिया में। इसके अंदर भाई फीचर्स की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन 3 से 4 फीचर मैं आपको इस बाइक में गिनाने वाला हूँ जिनकी खामी बहुत ज़्यादा खलती है बाइक के अंदर, और बताने वाला हूँ कि भाई इस बाइक के अंदर ये वाली फीचर और ये वाली कमियाँ भी ठीक होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं यामाहा R15 M के बारे में कि इस बाइक में और क्या क्या फीचर अपडेट करने की नीड है यामाहा को। ये वीडियो भाई किसी भी बाइक को डिफेम करने के लिए नहीं है या किसी बाइक को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, अगर बस ये मेरे एक पर्सनल ओपिनियन है कि इस बाइक के अंदर ये वाले फीचर्स भी अपग्रेड करने चाहिए यामा को, जब इतने सारे फीचर अपग्रेड कर दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो फीचर है मैं आप बताना चाहता हूँ आप सभी भाई लोगों को, देखो इसके जो क्लच लीवर है और ये जो ब्रेक लीवर है ये आता है बिल्कुल OEM, मतलब सिंपल क्लच लीवर आपको इसमें मिलता है। बट अगर इसकी जगह यामा एडजस्टेबल लीवर भी दे देती तो भाई सोने पर सुहागे वाली बातचीत हो जाती, क्योंकि आजकल का जो टाइम है भाई वो एडजस्टेबल लीवर का टाइम है। तो बहुत सारी बाइकों के अंदर आप देखते हो कि भाई एडजस्टेबल लीवर दे दिए गए हैं, तो इस बाइक के अंदर भी भाई एडजस्टेबल लीवर आना चाहिए, पहला फीचर ये अपग्रेड करना चाहिए यामा को। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, दूसरा भाई आप देख सकते हो ये KYB के सस्पेंशन है एंड USD फोर्क में सस्पेंशन दिया गया है गोल्डन कलर का, अगर इसी में भाई एडजस्टेबल सिस्टम दे दिया जाता तो भाई और बढ़िया बात हो जाती है इस बाइक में। हालांकि इस टाइम रोड स्टेबिलिटी जो है इस बाइक की बहुत बढ़िया है और एरोडायनामिक भी भाई बहुत बढ़िया काम करते हैं, बट सिंपल सस्पेंशन की जगह अगर एडजस्टेबल सस्पेंशन दे दिए जाते तो और अच्छी बात हो जाती है। उसके बाद तीसरा फीचर जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आप यहाँ देख सकते हो भाई ये है मोनो शॉक सस्पेंशन, और इसके अंदर आप देख सकते हो कहीं भी एडजस्ट करने का कोई भी सिस्टम नहीं है। अगर मोनो शॉक सस्पेंशन को भी भाई एडजस्टेबल बना दिया जाए तो वो और बढ़िया बात हो जाएगी यामा R15 M के लिए। उसके बाद आ जाते हैं भाई हम यहाँ क्वार्टर पैनल पे, ये आप देख सकते हो क्वार्टर पैनल है बाइक का, और इसकी जो क्वालिटी है भाई वो बहुत ज्यादा हल्की है, बहुत सारे राइडर्स ने कंप्लेंट भी की है, और आप सर्विस सेंटर में जाके देखोगे किसी भी यामा R15 के ऑनर से आप कंफर्म करोगे और इस पार्ट्स के बारे में पूछोगे कि तो भाई वो यही कहेगा भाई ये बहुत ज्यादा हल्का पार्ट है, हल्का सा टच होते ही ये क्रैक हो जाता है। तो कंपनी को कुछ ऐसा करना चाहिए कि भाई इसमें जो है कुछ ग्रैब रेल वगैरह दे दे नीचे से या कोई सपोर्ट ऐसे दे दे ताकि इस पे इम्पैक्ट ना आए, और इम्पैक्ट आए भी तो ये टूटे ना, क्रैक ना हो, ठीक है, क्योंकि इस पार्ट्स की जो क्वालिटी है वो काफी हल्की दी गई है और हल्का सा झटका लगता ही या टक्कर लगते ही ये पार्ट क्रैक हो जाता है। सो गाइस, ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जिसमें यामाहा को बाइक को अपडेट करने की नीड है, मतलब ये फीचर अपडेट कर दें यामाहा तो बाइक और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। सो इस वीडियो को इतने रखते हैं गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि ये वाकई जो मैंने बताए हैं अपडेट इनकी नीड है बाइक में या नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग गाइस, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अपने भाई को।